अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए बेसिक वनीला स्पॉन्ज केक की रेसिपी लेके आई हूँ विद एग। तो यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं: हाफ कप मैदा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टी स्पून बेकिंग सोडा, 1/4 कप ऑयल, हाफ कप शुगर, 2 एग्स एंड थोड़ा सा वनीला एसेंस। सबसे पहले हमें अंडों को शुगर के साथ थोड़े से वेनिला एसेंस के साथ बीट कर लेना है फॉमी कंसिस्टेंसी आने तक, क्योंकि जब तक हम इसको मतलब सॉफ्ट पीक्स नहीं आ जाते ना, तभी हमारा स्पॉन्ज जो है वो अच्छा बनेगा। और एक अच्छा केक बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसका बेस अच्छा हो, स्पॉन्ज अच्छा हो, तभी एक अच्छा केक हम बना पाएंगे। तो ये देखें, इसके अंदर सॉफ्ट पीक्स आ गई हैं। इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, उसके बाद मैंने इसको फिर से बीट कर लिया है। वो मैं नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि मुझे दूसरी तरफ जाके वहाँ पे मशीन ऑन करके उसको करना पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हो वीडियो में मेरा किचन बहुत छोटा सा है। मैं टेबल पर रख के जो है सारा प्रोसेस करती हूँ, सारी वीडियो बनाती हूँ। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। लेकिन ध्यान रखें कि हल्के हाथों से मिक्स करना है, बिल्कुल भी ओवर मिक्स नहीं करना है, वरना जो एयर बनी है ना, ये जो एग की, ये सारी एयर निकल जाएगी, फिर आपका केक जो है स्पॉन्जी नहीं बनेगा, वो बैठ जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा बस। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि ओवर मिक्स नहीं करना है, मैं हर बार बताती हूँ। तो अच्छे केक की निशानी यही होती है कि बेस अच्छा हो। तो मैं हर बार ये कोशिश करती हूँ कि मैं कोई अच्छी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, जो कि आप सीख सको। जो अभी मतलब देखते हैं लोग ज़्यादातर रेसिपीज़, तो वो केक की होती हैं। मैं खुद देखती हूँ तो वो मैं ज़्यादातर केक की रेसिपीज़ ही मैं देखती हूँ। तो ये देखिए, ये बैटर जो है हमारा तैयार हो चुका है। मैंने टिन को ना ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया था, उस पर बटर पेपर लगा दिया है मैंने। तो मैं इसको कढ़ाई में बेक कर रही हूँ, तो उसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए रख रही हूँ। बट आपके हिसाब से देख लीजिए, अगर मतलब कभी कभी 15 मिनट में भी जो है केक बेक हो जाता है। बैटर की कंसिस्टेंसी पे डिपेंड है कि आपका बैटर कैसा होता है। तो उसको थोड़ा सा टैप करने के बाद मैं उसको रख दूँगी प्री हीटेड कढ़ाई में। जब भी आप बेक करें, बात का ध्यान रखें, चाहे ओवन हो या कढ़ाई हो, आपको पहले प्री हीट करना है। बिल्कुल भी ठंडी कढ़ाई में या ओवन में आपने जो अपना केक नहीं रखना है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका बैटर जो है ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ज़्यादा थिक होना चाहिए। आपने वीडियो में देखा होगा मैंने जो बैटर बनाया था उसकी कंसिस्टेंसी। तो इसको मैं कवर करती हूँ, ये देखें, इसको मैं रख दूँगी 15 मिनट के लिए। तो ये 15 मिनट हो गए हैं, मतलब 16 मिनट लगे हैं हमारा केक बेक होने के लिए। ये देखिए, ये जो है ये अच्छे से बेक हो चुका है। तो इसको मैं रख देती हूँ थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, उसके बाद मैं इसको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से रमज़ान शुरू होने वाले हैं, तो कई जगहों पर तो चांद नज़र भी आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं गोवा से हूँ, तो गोवा में अभी तक भी चांद नज़र नहीं आया है। तो इंशाल्लाह आज शाम को नज़र आ जाएगा चांद, तो रमज़ान शुरू हो जाएंगे। तो पता नहीं वीडियोस बना पाऊँगी या नहीं, तो कोशिश ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह बनाने की। तो ये देखें, ये देखिए कितना स्पॉन्जी है ना, अभी तक थोड़ा सा गर्म है ये। ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है ना। तो अगर आपको ये वीडियो, ये रेसिपी, ये स्पॉन्ज केक की रेसिपी अगर आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हैप्पी रमज़ान इन एडवांस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।